बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज की वीडियो सेशन के अंदर हम देखेंगे और पढ़ेंगे द कंप्लीट वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व। तो हम वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व के हवाले से पढ़ेंगे, और वी आई का मतलब है वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक कर्व। सो इट इज़ आल्सो नोन एज वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक कर्व। मिसाल के तौर पर हम किसी डायोड के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या वोल्टेज लगाते हैं, तो करंट किस तरह बिहेव करता है, तो उसी को हम स्टडी करेंगे। उसके लिए हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर जिस तरह डायोड, हमें ऑलरेडी आइडिया कि दो ही कॉन्फ़िगरेशन हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड हमारे पास रिवर्स बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि डायोड के दो ऑपरेटिंग मोड्स हैं, एक फॉरवर्ड बायस है, एक जो है रिवर्स बायस है। तो वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक कर्व हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कंसिडर किया है और वाई एक्सिस पे हमने करंट को कंसिडर किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो हम इस कर्व से इजीली देख सकते हैं। जिस तरह नाम से जाहिर है, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक कर्व, वी आई, वी वोल्टेज, और ये आपके पास करंट करेक्टरिस्टिक कर्व है। दो ऑपरेटिंग मोड हैं, ये ऑपरेटिंग मोड जो है फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, और ये वाला ऑपरेटिंग मोड क्या है, रिवर्स बायस है। तो जब आप अक्रॉस द डायोड जो है आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अभी आ रही। मुझे अच्छा डिसकनेक्टिविटी आई थी दरमियान में। तो ये है कि स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारे पास वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास दो ही ऑपरेटिंग मोड्स हैं, एक आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग, सेकंड हमारे पास रिवर्स बायसिंग है। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं। तो जब लेट सपोज अगर हम अक्रॉस द डायोड हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इनिशियली जब लेट सपोज आपने कोई पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो इनिशियली आप जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो है वो लेट सपोज लेस देन 0.7 है, मिसाल के तौर पर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, और तो 0.5 और 0.6 तक जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो फॉरवर्ड करंट है अक्रॉस द डायोड आए वो इंतहाई कम होता है। इंतहाई कम का मतलब ये है कि उसकी मकदार जो है ऑलमोस्ट 1 mA तक हो सकता है। देखिए, दो चीजें ध्यान में रखें, फॉरवर्ड करंट जो है अक्रॉस द डायोड वो हम मेजर करते हैं मिली एम्पियर के अंदर, लेकिन जो रिवर्स करंट अक्रॉस द डायोड है वो हमेशा से मेजर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स इस बुक के अंदर हम देखेंगे तो वो माइक्रो एम्पियर के अंदर जो है उसको हम मेजर करते हैं, मतलब वो उसकी मिकदार कंपेरेटिवली ज्यादा कम होती है इस कंपेयर टू द फॉरवर्ड करंट। तो जब हम 0.6 तक अक्रॉस द डायोड आपके पास वोल्टेज होता है, तो फॉरवर्ड करंट जो है वो ऑलमोस्ट 1 mA तक ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। लेकिन जब 0.7 वोल्ट पहुंच जाता है, अगर आप सिलिकॉन डायोड को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो करेक्टरिस्टिक कर्व है दैट इज फॉर द सिलिकॉन डायोड, अगर आप ये जर्मेनियम का होता तो फिर 0.3 पे ये सर्च करता, लेकिन यहाँ पे 0.7 पे ये क्या करता है, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो कि ओवरकम करेगा बैरियर पोटेंशियल को, और आपके पास जो करंट है वो आपके पास ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा फॉरवर्ड करंट अक्रॉस द डायोड।
दैट इज वी कैन से कि 0.7 वोल्ट जो हमने थ्रेशोल्ड पढ़ा था कि ये डायोड के लिए है, उसके बाद जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो डिफ्यूज हो जाएंगे अक्रॉस द पीरियड पोटेंशियल और उस एनर्जी हेल को वो क्रॉस कर सकेंगे एंड दैट विल बी रिकम्बाइन विद द होल इन द पी टाइप सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स, वहां पे ये वहां पे रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो उसका जो मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड था जो डिफाइन किया गया है वो 0.7 वोल्ट है। तो 0.7 वोल्ट के बाद जितनी भी आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपके पास उस तनासब से करंट की मिकदार जो है वो इंक्रीज होगा। और ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं, ये जो बैरियर पोटेंशियल की जगह है। और सेकंड अगर आप रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कर लें तो रिवर्स बायस के अंदर जब आप टर्मिनल्स को थोड़ा सा चेंज करें उस पर्टिकुलर डायोड का और आप एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले और कैथोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले तो आप इस साइड के बिहेवियर को आप स्टडी कर सकते हैं रिवर्स करंट। इनिशियली जब आप करंट को जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो है वो इंक्रीज होगा इंतहाई कम मिकदार में आपके पास जो है रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब वो नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल भी उसकी मिकदार बहुत कम होगी। लेकिन जब आप इंक्रीज करेंगे एक टाइम आएगा कि आप जो ब्रेकडाउन रीजन है वहां तक आपके पास पहुंच जाएंगे। इसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जब अकर होगा तो आपके पास डायोड डैमेज हो जाएगा और आपके पास रिवर्स करंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली जिस तरह हमने बताया यहाँ पे कि आपके पास दो ही होते हैं, आपके पास जो है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के मोड में आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है जो कि बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करे या क्रॉस करे और आपके पास फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है 0.7 वोल्ट के बाद। ऑन दिस डायरेक्शन यू नीड जब आप इंक्रीज करते हैं तो वो जो नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज उसे कहते हैं द मिनिमम वोल्टेज दैट अ डायोड कैन विदस्टैंड अगेंस्ट द इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जहाँ पे एक डायोड जो है वो स्टैंड कर सकता है। अच्छा, इससे थोड़ा सा आप इंक्रीज करेंगे तो डायोड आपका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और आ रही आवाज, तो यहां से आप जो है जी सर आ रही है करंट जो है फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट को आप स्टडी कर सकते हैं व्हेन यू अप्लाई फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड, ठीक है। यहां पे कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अगर ये रिवर्स बायस में नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाए ये डायोड हमारा शॉर्ट हो जाता है या? हाँ बिल्कुल, डायोड आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो डैमेज इस तरह हो जाता है कि आपके पास ना इस तरह के फुल फ्लो स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल आप समझ लें कि शॉर्ट हो जाते हैं और आपके पास कंप्लीट जो है वो करंट जो है वो सर्च करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब वो एज अ वायर जो है वो फिर बिहेव करता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया मुझसे कि ये वोल्टेज जो है ये VBR ये कितना होना चाहिए, मतलब कितना वोल्टेज जो है एक प्रैक्टिकल डायोड के लिए रिक्वायर्ड होता है ताकि वो स्टैंड कर सके एक ब्रेकडाउन रीजन, फिर उसके बाद वो डैमेज के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं तो ये VBR की वैल्यू -75 वोल्ट होनी चाहिए, -75 वोल्ट तक जो है ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और अगर आप जर्मेनियम का डायोड यूज कर रहे हैं तो वो -50 वोल्ट तक उसको रिक्वायर्ड होता है VBR, ठीक है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम सिलिकॉन डायोड को प्रेफर करते हैं सर्किट्स में ओवर द जर्मेनियम डायोड, ठीक है, ताकि वो जो है उसकी कैपेबिलिटी बेटर है कि वो विदस्टैंड कर सके अगेंस्ट द रिवर्स वोल्टेज। एनी इशू? नो सर। तो यहाँ पे जो है मिसाल के तौर क्लियर है सर। यहाँ पे अगर आप देखें ना 0.7 वोल्ट तक अगर हम फॉरवर्ड बायस में कोई डायोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है सो आपके पास जो ये जो वोल्टेज है फॉरवर्ड करंट जो है वो ऑलमोस्ट होगा 1 mA के करीब होगा। और जब ये VBR है मिसाल के तौर पर आपने रिवर्स जो वोल्टेज है देट इज मैं सपोज -75 हम ले लेते हैं कि ये -75 वोल्ट है रिवर्स में, सो इसकी वैल्यू जो है रिवर्स करंट की वैल्यू जो है वो 1 μA होगी,
ऑलमोस्ट इसी के इक्वल ही होगी, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन कि हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व को इसलिए स्टडी कर रहे थे ताकि हमें पता चले कि आपके पास अक्रॉस द डायोड जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे सो उस करंट का बिहेवियर क्या होगा। अब हम थोड़ा सा इसको डायोड के मॉडल्स की तरफ आते हैं। तो डायोड की अगर हम देखें तीन अप्रोक्सीमेशन है, एक आइडियल मोड है, एक आपके पास जो है प्रैक्टिकल मोड है, और तीसरा आपके पास क्या है कंप्लीट डायोड मॉडल है, ठीक है। एक आपके पास आइडियल मोड है, दूसरा जो है प्रैक्टिकल मॉडल है डायोड का जो अप्रोक्सीमेशन है उसकी, और थर्ड आपके पास कंप्लीट डायोड है। अच्छा, एक चीज ये है कि एक चीज को इसके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स होते हैं। एक चीज को आप थ्योरेटिकली कुछ चीजें बुक्स में आप स्टडी करते हैं, आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चीज पढ़ते हैं, और जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं किसी सर्किट के अंदर आप डायोड को लगाते तो वहां पे आपको इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। हमेशा से आइडियल मोड जो है डिफरेंट जगहों पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज आइडियल मोड में डायोड जो है आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ स्टडी के लिए हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल मोड जो है या डायोड अप्रोक्सीमेशन किस तरह है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक डायोड जो है आइडियल मोड में, आइडियल मोड में इसको डायोड को कहते हैं कि डायोड के साथ दो मेन पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डायोड में। एक पैरामीटर जो है उसका ये जो बैरियर पोटेंशियल के डायोड के साथ जो है वो बैरियर पोटेंशियल के लिए जो वो होता है 0.5। सर वो अब्दुल अहद बैठा है रूम में, उसको ऐड कर दे सर। जी एक सेकंड, और सर राव जानजेब और मैं एक ही उस पे क्लास ले रहे हैं सर, इंटरनेट का इशू है तो एक ही डिवाइस पे क्लास ले रहे हैं सर। जी सर, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें आइडियल डायोड मॉडल में अगर आप देखें तो आपके पास लेट सपोज हम देखते हैं दोनों कंडीशन के अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर भी हम देखते हैं और रिवर्स बायस के अंदर भी हम देखते हैं। तो अगर आपके पास है सबसे पहले आइडियल आइडियल मोड को अगर आप देखते हैं, ठीक है, या आइडियल मॉडल को अगर आप देखते हैं, तो आइडियल मॉडल में दो देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायोड के साथ वो एसोसिएट होती है। एक होता है बैरियर पोटेंशियल, किसी भी डायोड के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो जो मिनिमम वोल्टेज है सिलिकॉन में वो 0.7 होना चाहिए, और जो जर्मेनियम में है दैट वुड बी अराउंड अबाउट 0.3 वोल्ट। तो ये चीजें तो डायोड के साथ है एसोसिएट है। सेकंड डायोड के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएट करती है वो डायनामिक रेजिस्टेंस है, वो भी होती है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आप डायनामिक रेजिस्टेंस को, बैरियर पोटेंशियल को जब आप सर्किट में डायोड को लगाते हैं इन दोनों पैरामीटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइडियल मोड वो मोड है जिसमें हम दोनों को इग्नोर करते हैं, हम डायनामिक रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर देते हैं और हम साथ में ये दूसरा जो है जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी हम इग्नोर करते हैं कि बैरियर पोटेंशियल भी नहीं है डायोड के अंदर और डायनामिक रेजिस्टेंस भी नहीं है, और आप स्टिल उस अगर आप चाहते हैं कि उस डायोड के क्रॉस जो है आप वी बायस लगा देते हैं या कोई वोल्टेज आप पोटेंशियल लगा देते हैं तो वो किस तरह बिहेव करेगा। तो जब ये दो चीजें आप इग्नोर कर दें और आप सिंपल वी वोल्टेज लगा दें क्रॉस द डायोड तो वो एज अ ओपन स्विच और एज अ क्लोज स्विच ही काम करेगा। मिसाल के तौर पर ये होगा कि जब आप वोल्टेज अक्रॉस लगाएंगे तो ऐसा है कि एक एक सर्किट है उसके अंदर एक वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये एज अ फॉरवर्ड करंट यहाँ पे मूव करेगा जिस तरह एक कनेक्टिंग वायर है, एक वायर कनेक्ट कर रहा है और वो, ठीक है। सेकंड में ये होगा कि अगर रिवर्स बायस में आप देखें तो एज अ ओपन स्विच काम करेगा, कोई भी करंट इट मीन्स के नहीं है, क्योंकि वहां पे करंट तभी प्रोड्यूस होगा वहां पे जब आपके पास अक्रॉस द डायोड कोई वोल्टेज ड्रॉप्स होगा। सो आई थिंक तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे वी हैव नथिंग, इट्स अ ओपन स्विच तो करंट वुड बी जीरो। तो ये आइडियल मोड है। आइडियल मोड को अगर आप देखें जब आप लगाते हैं एक पोटेंशियल लगाते हैं तो आपके पास जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो अगर आप 0.1 भी अप्लाई करते हैं तो आपके पास फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, 0.2 भी अप्लाई करते हैं तो फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो कर्व जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा था इस तरह मूव कर रहे तो आप कोई भी वोल्टेज जीरो वोल्टेज के साथ पे भी आपको जो है वो करंट आपको प्रोड्यूस हो रहा है ऑलमोस्ट। सेकंड में रिवर्स बायस के अंदर आप देखें, रिवर्स बायस के अंदर बिल्कुल करंट नहीं है तो ये कर्व जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल खाली है, आप
जितना भी वोल्टेज आप इंक्रीज करें रिवर्स बायस में, आपके पास कोई भी रिवर्स करंट प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो बिहेव कर रहा है एज अ ओपन स्विच, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आइडियल मोड ऑफ डायोड है, उसमें ये होगा कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है अक्रॉस द डायोड देयर वुड बी जीरो, और आपके पास जो सिंपल ओम लॉ है, जो करंट आप प्रोड्यूस करंट अगर आप मेजर करना चाहे अक्रॉस द दिस पर्टिकुलर सर्किट्स, तो आई एफ किसके ऊपर इक्वल होगा, वी बाय आर, वी आपके पास वो वी बाय वोल्टेज डिवाइड बाय आर लिमिट, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ। सेकंड में रिवर्स बायस के अंदर अगर आप देखें वो आई आर जो है वो जीरो होगा और जितना भी वोल्टेज होगा वी बायस वो इक्वल होगा वी आर के, ठीक है। सो ये आपके पास आइडियल मोड ऑफ डायोड है। सेकंड हम आते हैं प्रैक्टिकल मोड ऑफ डायोड। प्रैक्टिकल मोड ऑफ डायोड में वो डायोड हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे हम बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं और डायनामिक रेजिस्टेंस को अपने इग्नोर करते हैं। देखिए आइडियल मोड के अंदर हम दोनों को इग्नोर कर देते हैं, हम कंसिडर कर देते हैं कि आपके पास एक ऐसा डायोड है जहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेकंड में हम प्रैक्टिकल डायोड में हम ये कहते हैं कि एक ऐसा डायोड है जहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है लेकिन डायनामिक रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7 वोल्ट, जो कि सिलिकॉन डायोड के लिए हम कंसिडर करते हैं, या अगर जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट हम कंसिडर करते हैं। तो इसके क्रॉस अगर कोई वोल्टेज क्रॉस लगाते हैं तो जब आपके पास वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक पहुंचते हैं तो डायरेक्टली आपके पास फॉरवर्ड करंट जो है वो आपके पास एक ड्रास्टिकली करंट प्रोड्यूस होगा, और रिवर्स बायस के अंदर वो एज अ ओपन स्विच बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिवर्स करंट, वो बिहेव कर रहा है एज अ ओपन स्विच। तो यहाँ पे अगर आप देखें वोल्टेज अक्रॉस द डायोड आपके पास जो है, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के मोड में, तो ये वी एफ इक्वल होगा 0.7 वोल्ट, और जो आपके पास आई एफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखें इस डायोड को आप कंसिडर करें, इसी को अगर आप कंसिडर करते तो यहाँ पे आप KVL अप्लाई करें, KVL तो आपने पढ़ा होगा। सो KVL के अंदर ये क्या इक्वल हो जाएगा, वी बाइस प्लस वी बाइस माइनस आर वी आर लिमिट प्लस वी एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये समझ आ रहा है। लेट सपोज अगर हम फॉरवर्ड करंट फाइंड करते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड करंट कितना होगा, तो यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। यस सर, ठीक है जी सर। तो ये किस तरह देखिए, आप लोगों ने लीनियर सर्किट एनालिसिस में पढ़ा होगा, एक सर्किट है उसके अंदर आप फॉरवर्ड जो है आप करंट फाइंड करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, ये वी बाइस माइनस वी आर लिमिट माइनस वी एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वी आर लिमिट किसकी इक्वल होगा, वो आई एफ आर लिमिट की इक्वल होगा। देखिए ये देखिए वी बाइस माइनस वी एफ माइनस वी आर लिमिट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वी आर लिमिट किसकी इक्वल है, वी आर लिमिट इक्वल है वी नो वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई एफ आर लिमिट की इक्वल है। तो जब आप इसको पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप इसको पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आई एफ किसकी इक्वल होगा, वी बाइस माइनस वी एफ डिवाइड बाई आर लिमिट, ये फॉरवर्ड बाइस के अंदर आपके पास आई एफ किसकी इक्वल आएगा। रिवर्स बाइस के अंदर एज वी नो आई आर इज इक्वल टू जीरो एम्पेयर हो जाएगा, और जितना भी आपके पास जो है वी आर है देट वुड बी इक्वल टू वी बाइस। हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि देर वुड बी नो करंट अक्रॉस द डायोड इन द रिवर्स बाइस कंडीशन, सो दैट्स व्हाई आई आर इज इक्वल टू जीरो, और जितना भी वी बाइस है देट वुड बी इक्वल टू वी आर। देखें अब जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे क्लोज स्विच ओपन स्विच के, जब जितना भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास स्विच ही आपके पास ओपन है, बेशक आप जितना भी अप्लाई अनटिल एंड अनलेस कि आप स्विच को ऑन नहीं करते। तो ये वो बिहेवियर है जिसको हम देख रहे हैं। अब तल हमारे पास जो है, देखिए यहाँ पे आप देखिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो कुछ इस तरह ही होगा, ठीक है। अगर आप 0.7 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और रिवर्स करंट आपके पास जीरो है। अच्छा, अगर यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस होता तो फिर आपको ये इस तरह की लाइन नजर नहीं आती, फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन होती थी, इस तरह सीधा आपके पास लाइन नजर नहीं, बल्कि थोड़ी सी वेरिएट लाइन जो है आपके पास करंट इंक्रीज होगा, इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज ना होता, क्योंकि थोड़ी सी अपोजिशन जो है डायनामिक रेजिस्टेंस की वजह से भी अकर होती।
अब जो हमारे पास थर्ड है हमारे पास वो है प्रैक्टिकल डैम, ठीक है, जो कंप्लीट डैम है और ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है किसी भी ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी डैम इज द कंप्लीट डैम मॉडल, जो कि नॉर्मली हम स्टडी करते हैं अपने लैब्स के अंदर। अच्छा, और जो आपके पास आइडियल मॉडल है, आइडियल सबसे लीस्ट अप्रोक्सीमेशन है, लीस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है, और सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है, वो कंप्लीट डैम है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर हम डायनामिक रेजिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं और इसके अंदर हम बैरियर पोटेंशियल भी कंसिडर करते हैं। जी, ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है डायोड? हाँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। देखिए, कुछ लोग जो हैं इनको ये आइडिया नहीं होता कि डायनामिक रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। डायनामिक रेजिस्टेंस तब प्रोड्यूस होता है किसी भी डायोड के अंदर जब आप उसके साथ एसी वोल्टेज लगाते हैं, किसी भी डायोड के क्रॉस जब आप एसी वोल्टेज लगाते हैं, और स्टेटिक रेजिस्टेंस वो होता है किसी भी डायोड का जब उसके क्रॉस आप डीसी वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज ये ध्यान में रखें कि डायनामिक रेजिस्टेंस तब ही प्रोड्यूस होगा जब आप किसी भी डायोड के क्रॉस एसी वोल्टेज लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट आप लगाते हैं, और इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जो है दे डजंट फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, आपके पास पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर आप एक जीरो रेफरेंस को कंसिडर करें, साइनोसाइडल वेव को कंसिडर करें, सो देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दैट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द रेशियो ऑफ दैट रेशियो चेंज इन द वोल्टेज एंड चेंज इन द करंट, ठीक है। तो वो उसी वजह से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आपके डायोड। तो अगर आप इस कर्व को देखें तो 0.7 वोल्ट आप लगाते हैं, तो उसके बाद जो है तो रेजिस्टेंस की वजह से यू माइट हैव सम वेरिएशन और आपके पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपको जो दूसरा डायोड था प्रैक्टिकल डायोड के अंदर आपको नजर आ रहा था। देखिए, वहां पे आपको कर्व जो है, क्योंकि वहां पे हम कंसिडर ही नहीं कर रहे थे डायनामिक रेजिस्टेंस को, तो डायरेक्टली आपको जितना आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे तो उस हिसाब से आपके पास करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, बिल्कुल एक सीधा आपको एक जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा ये वेरिएशन है, इन द सेम केस ऑन द रिवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर करें, यहाँ पे जो वीएफ होगा, अगर हम कंप्लीट डायोड को देखें तो ये हमने उसके लिए पढ़ा था प्रैक्टिकल डायोड के लिए, एंड दिस इज फॉर कंप्लीट डायोड। कंप्लीट डायोड में आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, उस डायोड को अगर आप देखें, आपके पास वीबी है, ठीक है, और सेकंड आपके पास बायस वोल्टेज है, प्लस आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डायोड है जिसको हम आर डैश डी या आर प्राइम डी जिसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे वी बायस के साथ क्या आ रहा है, वीबी प्लस वीबी आर डी इसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो देट इज फॉर आईएफ जो करंट प्रोड्यूस होगा क्रॉस, प्लस आपके पास होगा आर डी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आपके पास Vf इसकी इक्वल होगा 0.7 वोल्ट प्लस IFRD, और IF जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू V बाइस माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाय R लिमिट। देखिए, यहां तक तो ये इक्वल था आपके पास कंप्लीट जो आपके पास प्रैक्टिकल डायोड था, सिर्फ यहां पे रेजिस्टेंस के साथ जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज बेसिकली वी कैन से द प्रैक्टिकल the complete diode जो कि आपके पास the most accurate approximation। यहाँ तक कोई questions अगर आपको हैं, any question? देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो जब आप लोग करेंगे तो चीजें समझ आएंगी, क्लियर है। ओके, मैं जब बात करूंगा तो अलहदा से जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। हमारे पास एक अच्छा, इस एग्जांपल को मैंने पेज पे सॉल्व किया है, तो वो साथ में मैं अपलोड कर दूंगा। एक पेज पे मैंने वीडियो बनाई है जिसको मैंने सॉल्व किया है, और ये डायोड अप्रोक्सीमेशन भी मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड किया है एक पेज के ऊपर, तो वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। दोनों ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ साथ में, वो दो वीडियोस में भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या करना है, आपने फॉरवर्ड करंट
फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट ऑफ अ डायोड आपने डिटरमिन करना है. आपने Vf प्लस आपने If डिटरमिन करना है फॉर ईच ऑफ द डायोड मॉडल. आपने ईच ऑफ द डायोड मॉडल हमने तीनों फार्मूलाज पढ़े. हमने आइडियल मोड का फार्मूला भी पढ़ा कि If Vf किसके इक्वल है. बाद में हमने जो है प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की भी हमने फार्मूलाज पढ़े कि If किसके इक्वल है, Vf किसके इक्वल है. और थर्ड हमने स्टडी किया जब आपके पास कंप्लीट डायोड मॉडल है वो भी हमने स्टडी किया. कंप्लीट डायोड मॉडल वो मॉडल है जिसके अंदर बैरियर पोटेंशियल प्लस डायनामिक रेजिस्टेंस हम दोनों को इंक्लूड करते हैं या दोनों को हम कंसिडर करते हैं. तो इन तीनों डायोड मॉडल के लिए आपने क्या डिटरमिन करना है, यू नीड टू डिटरमिन द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट. अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है वो आर डी के नाम वो 10 ओम्स आपके पास बुक में ही गिवन है. तो ये वैल्यूज आपको नॉर्मली दी जाती हैं. ठीक है, आपके पास एक वी आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज 10 वोल्ट और आपके पास जो आर लिमिट है ठीक है वो है 1 किलो ओम और आपके पास एक डायोड जो है यहाँ पे आपने तो आप देखिए यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आप देखें ए के अंदर देखें तो सबसे पहले आइडियल मोड में देखें तो आइडियल मोड के अंदर हमने देखा था कि Vf की वैल्यू क्या होगी. That would be equal to 0 volt because there would be no voltage drop across the diode, so that's why it is 0 volt. If is equal to V bias divided by because we have Vf ki koi value nahi hai, so that would be equal to V bias divided by R limit. So when you see this, then forward current kya hoga? Aapke paas 10 milliampere hoga. Okay? Asaan hai. Aapko formulas aapko aane chahiye. Wahi formula I is equal to V by R. तो सिंपल ओम्स ला है. आप पुट करें वैल्यूज के यू कैन गेट द फॉरवर्ड करंट वैल्यू. कंपैरेटिवली वी आर लिमिट किसकी इक्वल होगा, एज वी नो वी इज इक्वल टू आई आर. सो वी आर लिमिट सो आई एफ आर लिमिट. सो आई एफ की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है और आर लिमिट की वैल्यू आपके पास 1 किलो ओम है. आप इन दोनों को टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू कैन गेट 10 वोल्ट. तो आपके पास जो है वी आर लिमिट जो है वो 10 वोल्ट है. आपके पास IF जो है फॉरवर्ड करंट है 10 मिली एम्पीयर.